यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 4 है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक को, तो अब एक नया कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग पढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ दिखाए गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला है एक्टिविटी 1.6, प्ले दिस गेम इन द फील्ड। यह एक गेम है जिसे फील्ड में खेलना है। मेक फोर ग्रुप्स, चार ग्रुप बनाने हैं, बच्चों के चार ग्रुप बनाने हैं, एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। और जैसे जैसे इस एक्टिविटी में बताया गया है उस प्रकार से आपको ह्यूमन चेन्स बनाने हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में बच्चों को इस प्रकार से पकड़ना है, जैसे कि आप बिहू में देखे होंगे, बिहू का आपने डांस देखा होगा, उस प्रकार से पकड़ना है जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, मतलब बहुत मजबूती से पकड़ना है। दूसरे ग्रुप के बच्चों को सिर्फ हाथ को पकड़ना है, एक दूसरे के हाथ को पकड़ना है और एक ह्यूमन चेन बनाना है, जबकि तीसरे ग्रुप के बच्चों को सिर्फ एक दूसरे को टच करना है और कुछ नहीं। इस प्रकार से तीन ह्यूमन चेन आपने बनाया। अब चौथे ग्रुप को क्या करना है, इस ह्यूमन चेन को तोड़ना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ह्यूमन चेन आसानी से टूट जाएगा? तो वह ह्यूमन चेन आसानी से टूट जाएगा जो कि अच्छे से एक दूसरे को, जिन्होंने पकड़ा हुआ नहीं था। जबकि आप देखेंगे कि ये जो बिहू वाला जो पोज बनाया था कुछ बच्चों ने, उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। इफ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, यदि हम प्रत्येक स्टूडेंट को पार्टिकल ऑफ मैटर समझें, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो आप देखेंगे कि जो बिहू वाला पोज था उसमें जो पार्टिकल है या फिर स्टूडेंट हैं, वे एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स से पकड़े हुए हैं। अब हम लोग एक्टिविटी एक और करेंगे 1.7। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। तीन अलग अलग मटेरियल आपको लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। और आपको इसको तोड़ने का प्रयास करना है। आप हैमर से इसको मार सकते हैं, काट सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर आपको देखना है इन विच ऑफ द एवर थ्री सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टूगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। तो आप देखेंगे कि यह जो आयरन है, आयरन का जो सब्सटेंस है, जो नेल है, उसे तोड़ना आसान नहीं है, उसे ब्रेक करना आसान नहीं है, उसे काटना आसान नहीं है, उसे स्ट्रेच करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं। जबकि आप देखेंगे कि चौक है, उसको आसानी से आप ब्रेक कर सकते हैं, उसको आसानी से आप काट सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद एक और एक्टिविटी आपको यहाँ करना है। ओपन अ वाटर टैप, पानी का एक नल को खोलना है। ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। तो आपका पानी का जो धार निकलेगा उसको अपने उंगलियों से तोड़ना है। वेयर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, माफ करिएगा, वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, क्या आप अपने उंगलियों से इस स्ट्रीम को काटने में सक्षम थे? तो क्या आप इन्हीं उंगलियों का प्रयोग करके एक आयरन को काट सकते हैं? नहीं। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? तो आप देखेंगे कि जब आपने उंगलियों से इस स्ट्रीम ऑफ वाटर को काटा होगा तो उसके बाद अगेन उसी प्रकार से एक धार आपको देखने को मिला होगा। तो फिर यह धार वापस कैसे आया? तो उसका आंसर भी यही है कि ये जो मैटर है उसके पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। द एवव थ्री एक्टिविटीज, जो हम लोगों ने तीन एक्टिविटीज किया, सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। कि ये जो मैटर के पार्टिकल हैं
उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होता है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, और यही वह फोर्स है जो इन पार्टिकल को एक साथ बनाए रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। मैटर के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे, लिक्विड पढ़ेंगे, गैसेस पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इनके बीच जो पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी के कारण ये पदार्थ अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। तो यह हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।